welcome everyone today in this video lecture we will discuss about arch dam the definition of arch dam advantages and disadvantages of arch dam types of arch dam and the most economical angle for a arch dam so let's start from the definition it is a curved concrete dam convex upstream and resist forces acting upon it, mainly by arch action. So, in this type of dam, thrust is developed at the abutments. So, it requires strong abutments. Now, we will learn the what is arch action. This arch action. Ko आर्च एक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड इस पे हमने एक बेंट शेप में एक रोड प्लेस की है नाउ वी आर द टॉप फ्रॉम द क्राउन इस क्राउन पोर्शन पे हमने एक फोर्स लगाई अब फोर्स लगाने से क्या होगा ये फोर्स ट्रांसफर होगी स्पोर्ट्स पे यहां. अब स्पोर्ट्स पे ये यहाँ नीचे पेनिट्रेट तो कर नहीं पाएगा तो क्या होगा ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा मींस यहाँ पे क्या आ रही है थ्रस्ट आ रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और ये जो बैंड था ये सीधा हो जाएगा ठीक है सेम प्रिंसिपल हमने यूज़ किया आर्च डैम के अंदर कि ये क्या है एक क् आर्च डैम था और इस आर्च डैम के इधर अपस्ट्रीम साइड में यहाँ रिजरवर है वाटर है दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड तो क्या होगा जब ये वाटर इस डैम पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा तब डैम के अंदर एक फोर्स आएगी तो ये इस फोर्सेस को एबर्टमेंट्स में ट्रांसफर करेगा एबर्टमेंट्स में इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा तो ये एबर्टमेंट्स क्या करेंगे इन फोर्सेस को रजिस्ट करेंगे और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जिससे ये बैलेंस हो गई देन साथ ही क्या होगा एक थ्रस्ट डेवलप होगी इसके अंदर एक थ्रस्ट डेवलप हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये थ्रस्ट है इस थ्रस्ट को कौन रोकेगा इसको भी एबमेंट से रजिस्ट करेंगे तो इन फोर्सेस के रजिस्ट होने के बाद इस डैम के अंदर एक रजिस्टेंस आएगा ठीक है एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगी तो स्ट्रेस डेवलप जो हुई है वो क्या करेगी इस वाटर को रोकने के लिए काम करेगी वो इंटरनल रजिस्टेंस इन ये जो फोर्सेस एग्जर्टेड हो रही हैं डैम पे उनको रजिस्ट करेगा उनको रोकेगा ठीक है example is idukki dam this is the dam constructed in kerala and it is desirable to construct the arch dam in a v or u shaped canyon arch dam ko construct karne ke liye hame ek v ya u shape ki canyon इसको uh, select करना चाहिए ये canyon क्या होता है इसको हम next slide में discuss करेंगे this figure is showing a valley

ओके okay, अगर हम ऐसी जगह में एक डैम बनाएंगे तो उसकी बेस विथ कम होगी एज कंपेयर टू हाइट ठीक है तो एक, लेस, वेस, लेस बेस विथ का क्या बेनिफिट है होगा कि जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा यहाँ दिस अपलिफ्ट प्रेशर विल बी लेस मोर द बेस विथ मोर विल द मोर विल बी द अपलिफ्ट प्रेशर लेस द बेस विथ लेस विल बी द अपलिफ्ट प्रेशर कैन क्या होती है कि स्टार्टिंग uh, में ये एक पूरी एक रोक थी यहाँ पे ये कट नहीं था एंड वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर देन क्या हुआ कि इस रोक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में इरोजन हुआ ठीक है तो ये इरोज़न होते होते ये एक शेप बन गई यहाँ पे ठीक है स्ट्रोंग एबटमेंट्स होने के कारण साइड्स का ज़्यादा इरोज़न नहीं हुआ बल्कि जो डाउनवर्ड इरोजन था वो ज़्यादा हुआ यहाँ का तो ऐसा होने से क्या होगा जो साइड्स का जो स्लोप है दैट इज़ वेरी स्टीप बहुत ही स्टीप स्लोप होगा और यहाँ हमें एक बेस बेसविट मिलेगी वो भी कम होगी ठीक है तो कैनियन के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग एवर्ट्समेंट अवर्टमेंट्स मिलती हैं इसलिए हम आर्च डैम को अगर बनाने जा रहे हैं तो हमें एक कैनियन को यूज़ करना चाहिए वहाँ पे ठीक है एक कैनियन के अंदर ऐसी जगह देखेंगे जहाँ हमें वी या यू शेप की एक एक कोई जगह मिल रही हो तो वहाँ आर्च डैम को बनाना हमारे लिए अच्छा रहेगा नाउ द एडवांटेजेस ऑफ आर्च डैम द फर्स्ट इज दीज आर एडोप्टेड टू द कैनियन वेट लेंथ इज स्मॉल इन प्रपोर्शन टू द हाइट आर्च डैम को हमें कैनोन्स में बनाना चाहिए जहाँ जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू हाइट बहुत ही कम हो दे रिक्वायर लेस मेटीरियल एंड आर चीपर देन ग्रेविटी डैम फॉर ए गिवन हाइट द सेक्शन ऑफ एन आर्च डैम इज मच लेसर देन ए कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटी डैम ग्रेविटी डैम से अगर हम कंपेयर करेंगे इसको तो एक सर्टेन हाइट के लिए एक गिवन हाइट के लिए जितना मेटेरियल ग्रेविटी डैम में लग रहा है उससे कम लगेगा आज डैम को बनाने में बिकॉज ऑफ लेस बेस विर्थ द प्रॉब्लम्स ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर आर माइनर बेस विर्थ जितनी कम होगी बेस व्यथ जितनी कम होगी उतना ही कम अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ लगेगा ठीक है डिसएडवानजेज दे रिक्वायर स्किल लेबर ओबियसली स्किल लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी लो कंस्ट्रक्शन स्पीड काफ़ी स्लो है इसके अंदर और ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी है इसको बनाना क्योंकि तो आर्च डैम को बनाने के लिए हमें वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉम वर्क को यहाँ पर लगाना पड़ेगा फॉमवर्क मीन्स कॉन्क्रीट को कास्ट करने के लिए जो हम लगाते हैं फॉमव वर्क तो वो उनको भी लगाना काफ़ी डिफिकल्ट है एंड कंस्ट्रक्शन इज वेरी डिफिकल्ट इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रोंग एबटमेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग आर्च थ्रस्ट यह हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हम आर्च डैम को बनाएंगे तो एबटमेंट स्ट्रोंग होने चाहिए ताकि वो थ्रस्ट को रजिस्ट कर सकें ओके नाउ द टाइप्स ऑफ आर्च डैम

इट मीन्स द रेडियस ऑफ द डैम विल बी कॉन्स्टेंट अब हम देखेंगे कि कौन सी रेडियस यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी तो आज डैम के अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं फर्स्ट इज एक्सट्राडोज एंड सेकेंड इज इंट्राडोज सपोज वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन सो दिस इज द अपस्ट्रीम साइड एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम साइड जो डैम का अपस्ट्रीम फेस है द अपस्ट्रीम फेस ऑफ डैम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डोज एंड द डाउन स्ट्रीम फेज ऑफ आर्च डैम इज नोन एज इंट्राडोज ओके सो वट वट इज द कॉन्स्टेंट रेडियस आर्च डैम इन दिस टाइप ऑफ आर्च डैम द रेडियस ऑफ एक्स्ट्रा डोज इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल एलिवेशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ डैम मींस ये जो फेस है ये एक्स्ट्रा डोज है और दिस इज़ देंटर ऑफ द करवेचर एंड नाउ आई एम मेजरिंग द रेडियस सो एट दिस लेवल द रेडियस इज आर अब इसी पॉइंट के ठीक ऊपर यहाँ मैं रेडियस को मेज़र करता हूँ तो ये रेडियस भी कितनी है आर और ऊपर अगर मैं रेडियस को मेज़र करता हूँ तो यहाँ भी रेडियस आर है ऐसे ही जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो रेडियस मुझे आर ही मिलेगी मींस एवरी एलिवेशन पे एक्स्ट्रा डोज की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है इट मींस जो अपस्ट्रीम फेस है डैम का वो कैसा होगा वर्टिकल ओके हाउ एवर द Uh, extra dose sorry however the intradose has gradually decreasing radius as the depth below the crest is increases the thickness of the dam is increases to resist the horizontal pressure of water that is the hydrostatic pressure next the center of extra dose intradose and center line of देंट्रल एंगल ऑफ आर्च रिंग ऑफ इंट्राडोस वेरी विद एलिवेशन मीन्स जो ये सेंट्रल एंगल है इंट्राडोस का ये हर एक एलिवेशन पे वेरी करते हैं ये एंगल मिनिमम होगा एट द बॉटम एंड एट द टॉप ये एंगल मैक्सिमम होगा दिस डैम इज एडोप्टिड इन यू शेप कैनोन। यू शेप कैनोन में हम इसको अडोप्ट करते हैं एंड इट्स एग्जाम्पल इज डैम इन यूएसए। दिस डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन नाइनटीन थर्टी सिक्स The length height is the length is 222 meter and the height is 380 meter. Top width is 13.7 meter and its base thickness is 201 meter. So here you can see the length is 222 meter and base width is 201 meter. मीन्स द थिकनेस एट द बेस इज वेरी हाई दिस इज द कॉन्सटेंट रेडियस आर्च डैम नाउ द सेकेंड वन इज वेरिएबल रेडियस आर्च डैम वेरिएबल रेडियस मीन्स जो रेडियस है वो वेरी करेगी कॉन्सटेंट नहीं होगी इसमें इन दिस टाइप ऑफ आर्च डैम द रेडी ऑफ एक्स्ट्रा डोज कर एंड इंट्राडोस वेरी एट वेरियस एलिवेशन बी मैक्म एट टॉप एंड सर्टेन मिनिमम एट इट्स बॉटम मीन्स जो एक्स्ट्राडोस कर्व और इंट्राडोस कर्व की जो रेडियस होगी तो वो हर एक एलिवेशन पे डिफरेंट होंगी सेम नहीं होंगी इसी लिए इसको बोला जाता है वेरिएबल रेडियस आर्च डैम इट इज़ अडोप्टिड इन नेहरो वी शेप्ड कैन्यन जो वी शेप कैन्यन है इसमें हम इसको अडोप्ट करते हैं ए वेरिएबल रेडियस आर्च डैम हैज़ ग्रेटर आर्च एफिशियंसी रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स जो वेरिएबल रेडियस आर्च डैम है इसकी एफिशियंसी ज़्यादा होती है और ये कॉन्क्रीट को सेव करता है बिकॉज इट यूज अबाउट फिफ्टी एट परसेंट ऑफ कॉन्क्रीट फिफ्टी एट परसेंट ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इन ए कॉन्स्टेंट रेडियस आर्च डैम मीन्स जितना कॉन्क्रीट कॉन्स्टेंट रेडियस डैम में यूज हुआ था उसका फिफ्टी एट परसेंट ही यूज होता है वेरिएबल रेडियस डैम में इट हैव वर्टिकल और इवन ओवरहैंगिंग फेसेस एट द अपस्ट्रीम साइड नियर एबटमेंट्स एंड द डाउनस्ट्रीम साइड नियर द क्राउन जो इसका जो अपस्ट्रीम फेस है दिस अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल फॉर सम हाइट and at the abutments near the abutments this uh, upper portion is overhanging towards the upstream side and at the crown on downstream side this part is overhanging towards downstream side the center of horizontal arch ring at various at various elevation do not lie on the single vertical line इसमें जो सेंटर लाइन होगी इस डैम के अंदर जो सेंटर लाइन होगी एक्स्ट्रा डोस इंट्राडोस और हॉरिजॉन्टल आर्चरिंग की वो एक वर्टिकल लाइन में नहीं होगी बिकॉज अवर्टम्स में तो ये टिलटेड है इधर ओवर है अपस्ट्रीम साइड में और एट द क्राउन ये डाउनस्ट्रीम साइड में टिल्टेड है तो मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में उनकी सेंटर लाइन नहीं होगी एंड सीट इज़ नोन एज वेरिएबल सेंटर आर्च डैम तो इसलिए इसको वेरिएबल सेंटर आर्च डैम भी कहा जाता है द नेक्स्ट टाइप इज एंगल डैम इट इज अ वेरिएबल रेडियस आर्च डैम मीन्स इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेरिएबल रेडियस आर्च डैम इसमें भी जो रेडियस है वो वेरिएबल होगी बट एंग जो सेंट्रल एंगल होगा दैट विल बी कॉन्सटेंट इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ औरटल आर्च रिंग इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल एलिवेशन हर एक एलिवेशन पे जो सेंट्रल एंगल होगा वो सेम होगा एंड द सेंट्रल एंगल शुड भी वन थर्टी थ्री डिग्री थर्टी फोर मिनट एंड इन एनी केस इट शुड नाट ग्रेटर दैन वन फिफ्टी डिग्री वन फिफ्टी डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड फॉर एफिशियंट डिज़ाइन इट शुड बी वन थर्टी थ्री डिग्री थर्टी फोर मिनट नौ वाई वन थर्टी थ्री डिग्री थर्टी फोर मिनट बिकॉज एट दिस एंगल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज मिनिमम अगर हम ये एंगल अडोप्ट करते हैं तो जो कॉन्क्रीट लगेगा डैम को बनाने में दैट विल भी मिनिमम एंड इफ यू कंपेयर द कॉन्क्रीट कंज्यूम्ड इन द कॉन्स्टेंट एंगल आज डैम विद द कॉन्स्टेंट रेडियस आर्च डैम देन इट रिक्वायर्स ओनली फोर्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट मीन्स जितना कॉन्क्रीट कॉन्स्टेंट रेडियस आर्च डैम में लगता है उसका फोर्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट कॉन्क्रीट लगेगा कॉन्स्टेंट एंगल आर्च डैम में कॉन्स्टेंट एंगल आर्च डैम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल आर्च डैम दीज डैम्स आर सुटेबल इन वी शेप कैन एंड ऑल्सो इन u-shaped canyons and these dams sort of provide greater arch actions so thank you